खाद्य विभाग ने होली पर्व को देखते हुए विशेष अभियान चलाया। जिला अभिनीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम द्वारा लालकुआ के विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए छापेमारी की। लालकुआ क्षेत्र में औचक छापेमारी कर जनरल स्टोर, मिठाई की दुकान और एक डेयरी में व्यापक छापेमारी की गई है। चार दुकानों से गुजिया, पनीर और किशमिश के सैंपल लिए गए हैं, जबकि एक दुकानदार को धारा 32 का नोटिस दिया गया है और एक दुकान का चालान भी काटा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ में यहां पर जुड़ गए हैं। जी मुन्ना, जैसा कि त्योहारों का सीजन है और खाद्य जो विभाग है वो काफी सजग नजर आ रहा है, कई दुकानों से सैंपल जो है वो भी लिए जा रहे हैं, क्या निकलकर सामने आया? यह बताना चाहेंगे, यहाँ खाद्य विभाग की टीम ने पूरा लालकुआ पहुंच के और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पूरा सघन चेकिंग अभियान चलाया है, क्योंकि होली के पर्व को लेकर लगातार जो है मिलावट थोड़ी बढ़ती जाती है और इसको लेकर मिलावटी जो खोया है और किस प्रकार की खाद्य पदार्थ की जो सामग्रियां हैं वो सब मिलावटी रूप से यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसलिए आती है, यहाँ से अक्सर देखने को मिलता है, तो जिसको लेकर यहाँ का खाद्य विभाग की टीम है जो पूरे जनपद में अभियान चला रही है विशेष रूप से, और इसी क्रम में लालकुआ और इसके आसपास क्षेत्र हल्दीचौड़ और बिंदु गत्ता कई क्षेत्रों में जाके उन्होंने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कुछ संस्थानों में उनको कामयाबी पाई गई, जिसमें उन्होंने 32 का नोटिस भी दाखिल जारी किया है और उनके खिलाफ साथ ही एक जो है डेयरी है जो उसकी खाद्य पदार्थ की ये डेयरी है जो इसकी इन सब चीजों की दूध और मावा और ये सब चीजें जो बेच रही थी, तो उसके खिलाफ भी पूरी बिना उसके लाइसेंस के वो बेचा जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर वहां पर उसका चालान किया है और भविष्य में इस प्रकार की अगर आगे से अगर बिना लाइसेंस के चलाने पे कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। साफ बताना चाहेंगे ये अक्सर हर साल में लगा देखने को मिलता है, खाद्य विभाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाता है, इसी क्रम में ये जो किराना स्टोर के अलावा खाद्य की सामग्रियों के जो दुकानों में सघन अभियान चलाया गया है, साथ ही उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस त्योहार के अलावा भी ये अभियान जो है हमारा आगे भी जारी रहेगा और किसी प्रकार की मिलावटखोरी की अगर शिकायत आती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। की बिल्कुल, होली के पर्व पर ये खास अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों में इससे हड़कंप मचा हुआ है, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। यह बताना चाहेंगे, यहाँ जब अभियान चलाया लालकुआ में तो उसके बाद पूरा व्यापारी और जो दुकानदार है उनमें हड़कंप मच गया पूरी तरीके से और उनके साफ तौर पर जो है अपने अपनी व्यवस्थाएं बनाने में और साफ सफाई करने में जुट गए सभी लोग, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो अचानक छापेमारी अभियान चलाया तो कई स्थानों में गए और जिसमें उन्होंने छापेमारी करते हुए कई जगह के सैंपल गुजिया हैं या कई प्रकार की किशमिश है या किसी प्रकार की ये खाद्य सामग्री जो बिक रही थी उसको उन्होंने कब्जे में लेकर बाकायदा उसको सील कर दिया है और उसको जो है साफ तौर पर उनका कहना था कि इसको भेजा जाएगा लैब में, लैब के बाद अगर उसकी जो भी रिपोर्ट अगर आएगी किसी प्रकार की संस्थान के अगर विपरीत अगर रिपोर्ट आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए साथ ही इसमें अगर जरूरत पड़ी तो इसमें मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जी चलिए मुन्ना, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। एक और